हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एक फेवरेट टॉपिक बिटकॉइन के अपडेट के बारे में। बिटकॉइन अपडेट मतलब हम लोग यहां पर चार्टिंग की बात नहीं करने वाले, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले बिटकॉइन के जो नया अपडेट आया है टैप रूट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज बनाई है इसी चीजों से, इसी तरह की बिटकॉइन से रिलेटेड जो की इन्फॉर्मेशन रहती है उसको लेकर के। तो इसी तरह की और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की और वीडियोस लाते रहेंगे, राइट। तो शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन। तो इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज यूज योर ड्यू डिलिजेंस, राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपके सभी क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है बिटकॉइन का नया अपडेट, बिटकॉइन टैप रूट का नया अपडेट। और देखिए क्यों बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ और अब एक नया अपडेट आया है। सिर्फ मैं इसका यहाँ पर अपडेट का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि लोग सिर्फ अभी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि बुल रन चल रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं लेने देना है बिटकॉइन कहाँ पर कैसे और क्यों वर्क करता है। सिर्फ इतना पता है कि उन लोगों को कि माइनिंग होता है। अब जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि इलॉन मस्क ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि जो एक फ्लड आया था, फ्लड आने की वजह से जो है बहुत सारी मशीन्स जो है वो बंद हो गई थी, तो क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस भी चीज के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग नॉलेज रखिए। अगर आप लोगों को नॉलेज रहेगी तो जैसे कल रात को लोगों ने पैनिक में आकर के सेलिंग करी है, उस तरह की सेलिंग आप लोग कभी भी नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि फंडामेंटल क्या है, बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है और क्या चीजें होती है, राइट। किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे आप इथेरियम की बात कर लो, बीटीसी की बात कर लो, या फिर आपका जो भी फेवरेट कॉइन है, कि बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है, राइट। बैकएंड पे क्या डेवलपमेंट चल रही है, बैकएंड पे क्या अपडेट्स चल रही है, और वो किस तरह से इन फ्यूचर जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस कॉइन के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है फर्क डालेगी, राइट। तो जरूर ये सब नॉलेज रखिए, तभी आपके इन्वेस्टमेंट करने का फायदा होगा, राइट। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ ये बोलने पे कि डॉज कॉइन $1 जाएगा आप बाय कर लेंगे, तो फिर आई एम सॉरी, आप मुझे लगता है कि गलत तरीके से आप जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं इसके ऊपर कि बेसिकली टैप रूट है क्या चीज। तो टैप रूट बेसिकली दोस्तों बहुत सारे जो कह सकते हैं कि अपडेट्स है बिटकॉइन के, तो उन सभी को मिला करके, या फिर आप कह सकते हैं एक के बाद एक जो है अपडेट्स जो है बिटकॉइन के ऊपर आएंगी, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है वो आएंगे। आप सभी को पता है कि इस टाइम पर बिटकॉइन का जो ब्लॉक है वो 1 MB का रहता है, और सेगविट जो है अभी चल रहा है 1.0, उसकी वजह से थोड़ा सा बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज है वो 1.4, 1.5, 1.6 MB तक चला जाता है, राइट। और ऐसे ही सेगविट 2.0 आएगा, जहां पर ब्लॉक साइज और बड़ा किया जाएगा, जहां पर तकरीबन 2 से 4 MB के आसपास में सेगविट 2 के अंदर जो है सेगविट का ब्लॉक किया जाएगा, जहां पर और भी ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है बिटकॉइन की करी जाएंगी और सस्ती ट्रांजेक्शन होगी, राइट। तो ये सभी जो अपडेट्स है, ये सभी अपडेट्स बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन ज्यादा करने के लिए पर ब्लॉक, राइट। अभी जैसे कि तकरीबन 5 से 6 पर सेकंड जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है पर सेकंड, लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए यहाँ पर ब्लॉक साइज को बढ़ाया जाएगा, राइट। वैसे जो डेवलपर है वो कभी भी इस चीज के लिए हक में नहीं होते कि ब्लॉक साइज को बढ़ाया जाए, लेकिन इसी के लिए एक सॉल्यूशन लेकर के आए ये लोग, जहाँ पर सेगविट लेकर के आए, राइट। सेगविट के बाद में और भी चीजें यहाँ पर P2SH, राइट, यहाँ पर ये सब अपडेट्स जो है वो आएंगी धीरे धीरे करके आएंगी। MAST जो कि मर्कलाइज, यानी कि जो इसके रूट्स होते हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा स्नोर सिग्नेचर जो कि ये है प्राइवेसी से रिलेटेड, प्राइवेसी ट्रांजेक्शन और उन सब चीज़ों से रिलेटेड, वहीं इन सब से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हैं कनेक्टेड है टैप रूट भी, तो उसका नया अपडेट जो है यहाँ पर बिटकॉइन कोर जो है ये टीम है जो कि संभालती है बिटकॉइन के ऊपर जितने भी अपडेट है, बिटकॉइन के अंदर जितने भी जो इम्प्रूवमेंट होते हैं उन सभी को जो बिटकॉइन कोर है वो संभालती है, राइट। और इनको पीछे से बैक करते हैं एक कंपनी है, मैं उसका अभी नाम बोल रहा हूँ यहाँ पर, राइट। और तो इनको एक कंपनी जो है वो ऑलरेडी इनको बैक करती है, और ये लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं। थोड़े स्लो है जैसे इथेरियम स्लो है, और आगे ये लोग कमिटेड है कि ये BTC को या BTC के ऊपर और ज़्यादा ये लोग जो है वर्क करने वाले हैं, उसको फास्ट, सिक्योर और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि सिक्योर बनाने के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो टैप रूट है, टैप रूट का 3 यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है, एक प्राइवेसी के ऊपर,
सेकंड है ट्रांजेक्शन फास्ट के ऊपर, लाइट वेट और फास्ट के ऊपर, राइट। और तीसरा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। और जैसे कि काफी लोगों को नहीं पता है कि बिटकॉइन के ऊपर भी जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन होते हैं, डे वन से रन होते हैं। बहुत बेसिक वाले अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करना चाहते हैं बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन चेन के ऊपर, तो वो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई मतलब हार्ड मतलब नहीं है, राइट। इथेरियम के ऊपर भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बिटकॉइन से ही, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंस्पायर होकर के, इथेरियम जो आया था बिटकॉइन से ही इंस्पायर होकर के, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उससे इंस्पायर होकर के आया था कि उसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम के वो थोड़ा अपग्रेडेड है, राइट। यहाँ पर क्योंकि इथेरियम के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली रन हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन, बिटकॉइन के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो आप एक ब्लॉक वाइज आप उसको बना सकते हैं, उस तरह की चीजें कर सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे, राइट, आप लोगों को और भी चीजें जो है जानने के लिए मिलेंगी, और भी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता, आप सिर्फ इस चीज के लिए आ रहे कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है, राइट, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं मालूम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BIP 341 के साथ में ये लोग जो है टैप रूट को लेकर के आएंगे। मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया कि टैप रूट बेसिकली है क्या चीज, राइट। और ये जो है माइनर्स जो होते हैं वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, और माइनर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों के ब्लॉक्स, यहाँ पर ब्लॉक जो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं और जो ब्लॉक ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं, राइट। इन सभी ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन जो डालता है वो डालता है मेमपूल, राइट। मेमपूल में ट्रांजेक्शन होती है, वहां से जो है एक मीडिएट, क्या नाम है, मीडिएटर होता है जो सेलेक्ट करता है ट्रांजेक्शन को, मैनुअली सिलेक्शन किया जाता है यहाँ पर, राइट। अभी तक मैनुअली है, लेकिन और अपडेट आने वाले जिसमें फिर ऐसा कुछ सिलेक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा, डायरेक्ट जो है ट्रांजेक्शन जाया करेंगी। वो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, वो मुझे उसका नाम भी अभी याद नहीं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आने वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन जो है ऐड करी जा रही है। यहाँ पर 1.46 MB की ट्रांजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर दी जा चुकी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 MB की ट्रांजेक्शन जो है ऐड करी जा चुकी है, यहाँ पर और ऐड हो रही है, राइट। क्योंकि इसके अंदर और चीजें जो ट्रांजेक्शन फिट नहीं हो रही है, जो मेमपूल से पिक करी जा रही है, वो सब यहाँ पर जो है पिक करी जाएंगी और डाली जाएंगी। तो वापस टैप रूट के ऊपर आते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था ये टैप रूट के ऊपर यहाँ पर इनको रिक्वायरमेंट है 90% होने का, राइट। यहाँ पर अभी तक 72% है, सुबह हम लोग चेक कर रहे थे 56 और 55% के आसपास में था, राइट। तो अभी रेगुलरली ये बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है, ये अभी सिर्फ सॉफ्ट फोक है, राइट। इसका जो एक मेन जो आएगा, जो फाइनल वर्जन जो आएगा 2.0 जो आएगा इसका टैप रूट का, मतलब वो भी आई गेस वो MVP टाइप में होगा, वो भी 100% फाइनल नहीं होगा, वो नवंबर के अंदर आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर बात किया था, ये वाला ब्लॉक साइज 700,000 के आसपास में ब्लॉक होगा और मिड नवंबर के आसपास में, स्टार्टिंग में या फिर मिड नवंबर के आसपास में ये लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, जबरदस्ती मतलब डालना कि ये चीज आपको करना ही करना है, और ये अपग्रेड्स जो है वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और माइनर्स को जो है ये अपग्रेड एक्सेप्ट करके आगे जो भी ब्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये किधर गया, जो ये रेड वाले ब्लॉक है यहाँ पर अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बेसिकली टेस्ट रन चल रहा है, राइट। यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इजीली रन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, राइट। उस तरह की जो चीजें हैं उनको अभी टेस्ट किया जा रहा है। तो ये जो रेड वाले हैं इसके अंदर इन्होंने यूज नहीं किया है टैप रूट को, लेकिन जब आप ग्रीन वाली ट्रांजेक्शन को जब आप सेलेक्ट करोगे तो ग्रीन वाली ट्रांजेक्शन के अंदर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये टैप रूट को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके इसको ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे ये लोग लेकर के जा सके, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे टैप रूट लिखा हुआ है, राइट। ये टैप रूट जो लिखा हुआ है यही इसका बेसिकली वो है कि ये टैप रूट यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर बेसिकली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर ये लोग वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फीस बहुत कम है, वहीं जो बाकी दूसरे जो ब्लॉक वो रहते हैं उसके अंदर थोड़ा सा फीस का जो है ऊपर नीचे रहता है, राइट। तो और मतलब अभी जो है फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी सिर्फ सॉफ्ट फोक है, जैसे मैंने बताया नवंबर के अंदर सारी चीजें होंगी। और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको एक और चीज बता दूं कि सिर्फ बिटकॉइन माइनर जो है वो सिर्फ बिटकॉइन को ही माइनिंग नहीं करते हैं, बिटकॉइन को ही माइन नहीं करते हैं, इसके साथ में और भी ऐसी बहुत सारी चेन्स हैं जिनको ये माइन करते हैं, राइट। अगर कोई आपसे बोलता है कि सिर्फ बिटकॉइन के माइनर जो है बिटकॉइन के थ्रू ही कमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। बिटकॉइन के माइनर बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो साथ में आप कह सकते हैं कि साथ में माइन करते हैं, राइट। आप क्या कहते हैं एक बहुत सारे कॉइन है अभी जिसके जैसे कि नाम मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे, हम लोगों ने इसके लिए भी एक स्पेशल एक वीडियो बनाया था, राइट, जहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि कौन कौन से तकरीबन 10-12 ऐसे कॉइन है
जो कि बिटकॉइन के साथ में माइन होते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है ये क्या कहते हैं सिक्योरिटी की, तो बिटकॉइन से ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी किसी के पास है नहीं, तो इसलिए बिटकॉइन को ही वो लोग जो है लेकर के चलते हैं, राइट। एक तो डीएफ वाला ही प्रोजेक्ट है जो कि एसटीएक्स करके है, एसटीएक्स भी साइड चेन के ऊपर माइन होता है बिटकॉइन के। ऐसे ही एक और है ब्लॉक करके कुछ नाम है उसका, और उसके ऊपर बिट्रेक्स के ऊपर लिस्टेड है। फिर उसके अलावा और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसी तरह से जो है रन होते हैं। तो बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारे माइन होते हैं, और यहाँ पर टैप रूट के अंदर यहाँ पर तीन चार चीजें जो है ऐड होने वाली है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की फंक्शनैलिटी को यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन फास्ट करने के लिए यहाँ पर हेल्प करेगा, ट्रांजेक्शन की प्राइवेसी के लिए यहाँ पर हेल्प करेगा, और मल्टी सिग जो रहने वाला है कि अभी तक जो है दो तीन जो है सिग्नेचर आप कर सकते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा मल्टी सिग आपको मिलेंगे इसके अंदर। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है रन करने की मतलब और ज्यादा ईज कर देंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करने के लिए टैप रूट के एक्टिवेशन के साथ में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अपडेट, और कि टैप रूट क्या होता है, किस तरह से वर्क कर रहा है, और बिटकॉइन क्यों मतलब आगे और वर्क करेगा, राइट। किसी के कहने पे मत जाइए कि कोई ये कहता है स्कैम है, स्कैम कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी पीछे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, $1 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस कॉइन के पीछे, वो स्कैम कैसे कैसे हो सकता है, राइट। क्योंकि किसी ना किसी चीज के पीछे एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सपोर्ट करने वाले होते, तो यहाँ पर माइनर्स है सपोर्ट करने वाले, नोड रन करने वाले, राइट। और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है पीटीसी का नेटवर्क, राइट। इस चीज के ऊपर भी जो डिबेट हुआ था उसमें भी मैंने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर यहाँ पर बोला था कि क्या कहते हैं कि अगर एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, राइट, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि आप जब मर्जी जा करके जिस भी नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, आप उसको माइन कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट से और मशीन ऐड कर सकते हैं जब मर्जी, जितना मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, और आप इस तरह से एक बड़े माइनर बन सकते हैं, राइट। वही चीज हुई है, और उसी तरह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माइनर हम लोगों ने जो है यहाँ पर बनते हुए देखे। अगर आप देखोगे माइनिंग पूल्स जो है ये इतने सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग किस तरह से पूछे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खर्च किया है, राइट। अगर आज उनको उसका फायदा मिल रहा है तो उनको उस चीज का फायदा क्यों ना हो, राइट। अगर आपके पास है उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप भी करोगे ये सब चीजें, माइन करोगे आप भी, राइट। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। बिटकॉइन यहाँ पर है और हमेशा रहेगा, आप और हम यहाँ पर सिर्फ बिटकॉइन की वजह से ही है। अगर बिटकॉइन नहीं होगा तो और किसी कॉइन के लिए भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आज की यही थी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा जाने से पहले, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद, भाई।